श्री कृष्ण चंद्र केश
पदमुदाहरणानुरूपं गीतं मयात्रगृहीतं न परस्य किञ्चिद्वा करणीयम्। समानं कृतवाम भागम्
धर्म यष्टि धर्म मुकुंदम नमामि कृष्णं यदुवैशनाथम् करुणा सिंधुरगाधा चरण सरोरुह विभग्न भव बाधा पद नखल सदन राधा राधानि बाधताम बाधा नमस्याम शुकाचार्यं वासिष्ठं व्याससंभवं पिबामो यन्मुखां भोजच्युतं भागवतामृतम् श्री शुकाचार्य के पद कमल पुनि पुनि करमु प्रणाम श्रीमद भागवती कथा करम सुजन अभिराम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं
नैष्कर्म्यमाविष्कृतम् तदच्छेवन् प्रपठन् विचारणे परो भक्त्या विमुच्येन्नरः परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्री भगवान श्री सीताराम जी से अभिन्न उन्हीं के अवतार स्वरूप श्री राधा कृष्ण भगवान की कृपा से अब हम द्वारका लीला की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। देखिए यदि आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो वहां चौथे अध्याय के आठवें श्लोक तीन सिद्धांत कहे गए। भगवान का अवतार क्यों होता है? तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। साधुओं का परित्राण करने के लिए परित्राण साधुओं की चारों ओर से रक्षा करने के लिए ये कारण और दुष्कृतां विनाशाय दुष्टों का दुष्कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और किसके लिए? धर्म संस्थापना है, धर्म की संस्थापना करने के युगे युगे संभवामि। मैं युग युग में प्रकट होता हूं अथवा युगे युगे संभवामि। कभी 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 युगे माता पिता दोनों का आश्रय ले लेता हूं, माता पिता जी जो युगल का आश्रय लेता हूं, और कभी कभी आयुगे और कभी कभी जब मेरा मन होता है तो माता पिता किसी का आश्रय नहीं लेता, वैसे भी प्रकट हो जाता हूं आयुगे युगे आयुगे। दोनों का तो यदि संक्षेप में कहें तो ब्रज लीला के लिए परित्राणाय साधूनां। ब्रज लीला में भगवान साधुओं का परित्राण कर रहे हैं और मथुरा लीला में विनाशाय च दुष्टों का दमन। मथुरा लीला में कंस का दमन किया भगवान ने, मथुरा लीला में दुष्टों का विनाश और द्वारका लीला में क्या करेंगे? धर्म संस्थापना, धर्म की संस्थापना। संस्थापना किसकी होती है? सीधा उत्तर है संस्थापना के बिना बताइए विस्थापना। क्या विस्थापना? संस्थापित कौन किया जाता है? जो विस्थापित हो जाता है, जो निकाल दिया जाता है घर से। असुरों ने भारत से धर्म को निकाल दिया है, देश निकाला नहीं दिया है, धर्म निरपेक्षता का कारण आज भी हो रहा है। ये सरकारें, इन निकम्मे राजनेता धर्म निरपेक्ष कहकर धर्म को विस्थापित करना चाहते हैं, पर यह धर्म विस्थापित नहीं होगा फिर भगवान का अवतार होगा।
और हम तो कह रहे हो गया है भगवान का अवतार, लोग देख रहे हैं। तो तीन कारण, ठीक है। अब देखिएगा कि द्वारका नगरी में भगवान धरती की संस्थापना कैसे कर रहे हैं। और देखिए सिद्धांत जो हम कह चुके हैं, भक्तिया जो कुछ चल रहा है, व्यक्ति की विमुक्ति मुक्ति ज्ञान से हो सकती है, ज्ञान आनंद मुक्ति मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ज्ञान से मुक्ति तो हो ही सकती है, परंतु मुक्ति होने के बाद फिर बंधन संभव है, फिर बंधन संभव है। ज्ञान से मुक्ति हो जाती है पर बंधन होने की संभावना रहती है, परंतु भगवती भक्ति की कृपा से जब मुक्ति होती है तब बंधन हो ही नहीं सकता, त्रिकाल में बंधन नहीं हो सकता। इसलिए भक्तिया विमुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है और भक्ति से विमुक्ति होती है। इतना बता, बहुत अद्भुत आनंद है द्वारका लीला में। देखिए भक्ति की का सिद्धांत जानते हैं ना, यदि मैं कहूं कि भक्ति का प्राण क्या है, हो तो मैं कह सकता हूं भगवान के दर्शनों की इच्छा ही भक्ति का प्राण है। भगवत दीर्घक्षा भक्ति का, भगवान को देखने की जो छटपटाहट होती है यही भक्ति का प्राण है। उसी को अंत में परम विरहासक कहते हैं। और संयोग देखिए आज ऐसी चतुर्थी ओर काम के तीन रूप होते हैं, एक तो भौतिक आदि भौतिक रूप होता है संसार की इच्छाएं, एक आध्यात्मिक रूप होता है उसका देवता भी होता है, और एक आध्यात्मिक रूप होता है। तो शिव जी ने जिस काम को जलाया है वह सांसारिक काम है, बुभुक्षा, परंतु भगवत दीक्षा को शिव जी ने थोड़ी जलाया है, और फिर भगवान भगवान शिव ने कामसुष्टु वासुदेवांश प्राग्दग्धो रुद्रमन्ना देहोपपत्तये भूयस्य तदेव प्रत्यपद्यत। तो जो भगवान के दर्शनों की इच्छा रूप काम है, जिसको गोपियां कहते तत् सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मना पुरुष भूषण देहि दास्य। तो सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम, भगवान की कैंकर्य की जो इच्छा है कि मैं भगवान की सेवा करूं, इत्याकारी का जो इच्छा है यही काम अब रुक्मिणी जी के गर्भ में आ रहा है। रुक्मिणी जी कौन है, मैं कहूं रुक्मिणी जो कुछ नहीं, रुक्मिणी माने जानते हो ना, संस्कृत में रुक्म को सोना कहते हैं, क्या कहते हैं सोना, रुक्म माने सुवर्ण स्वर्ण, और रुक्म जिसके पास हो उसे कहते हैं रुक्मिणी। सुवर्ण क्या है, भगवान का सेवक से विभाव,
यही स्वर्ण है, वो जिसके पास है वही है रुक्मिणी। असभिमान जाई जनी भो पर यह है कि भगवान की सेवा ही रुक्मिणी है। जहि विधि कृपा सिंधु सुख मानी सोई श्री कर सेवा विधि जानी श्रेणम श्री। तो भगवान की सेवा ही रुक्मिणी है। और उसी सेवा के गर्भ में क्या है, भगवत कैंकर्य की इच्छा, वही है प्रद्युम्न। उन्हें कामदेव नहीं जला सकता और शिव जी नहीं जला सकते। प्रद्युम्न माने संस्कृत में द्युम्न का अर्थ होता है धन, द्युम्न माने धन। प्रकृष्टम द्युम्नम यस्मिन, सारा प्रकृष्ट जिसमें प्रकृष्ट धन है, भगवान की सेवा भाव का धन है, वही है प्रद्युम्न। भगवान की सेवा का भाव, निरंतर सेवा की इच्छा, भगवान हमें सेवा दे। धीघ शुचि मविनीतम् निर्दयम् मामलजम् परम पुरुषयोहम् योगी वर्याग्रगणि विविधि शिव सन का तम परिकर भावं कामे कामत। भगवान की सेवा की इच्छा, यही प्रद्युम्न। और अब रुक्मिणी से जन्म लिया है, सेवा के गर्भ में ही सेवा की इच्छा रहेगी। इनको चुराया किसने, संबरासुर ने। संबरासुर ने, इस संसार का भाव ही संबरासुर है। संबृते इति संबरः, जो भगवान की सेवा को ढक लेता है उसे कहते हैं संबर। और भगवान की सेवा का ढकता कौन है, वो परिवारवाद। क्या जब हमारे जीवन में परिवार भाव आ जाए, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, मेरा पति, ये मेरा घर है, ये मेरा तेरा जो होता है, यही संसार भाव, यही संबरा सुख है। जीवन में जब संसार में ममता ममत्व भाव आ जाता है ना, तो भगवान की सेवा छूट जाती है। इसलिए भगवत दीक्षा चुराई, तो भगवान के दर्शन की इच्छाओं की, भगवान के दर्शनों की इच्छा का जो संकल्प है जीवन में, उसको यही संबरा से नारायण चुरा लेता है। और बड़े आनंद की बात, पूरा प्रभाव है।
पूरा भाव है। जब चुरा ले गया ना उसने सागर में फेंक दिया, ये बता समुद्र में फेंक दिया प्रतिबिंब, इसका क्या भाव है? जब संसार भाव जीव को कहां फेंकेगा? जब जीवन में हमारे संसार भाव आ जाता है तो भगवान की सेवा की इच्छा को भी ये संसार सागर में फेंक देता है। उसको एक मछली ने खा लिया, मन के मनोरथ खा लिया, फिर वो किसी प्रकार मायावती के पास आ गया। काम की पत्नी का नाम है मायावती, रति, काम की पत्नी है रति। काम कौन? मैं बता दूं, भगवान की सेवा की इच्छा, भगवान के दर्शनों की इच्छा। इसकी पति इसकी पत्नी कौन हो सकती? रति, भगवान के चरण में प्रेम। जब भगवान के चरण में रति होगी तब भगवान की सेवा की इच्छा होगी, ठीक है ना? यही रति, इसी की बात भरत ने कही। धन धर मन काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। यह वरदान यही रति सीता को मार नहीं सका। भाव यही है कि जब यदि हमारा सेवा भाव
भगवान की प्रीति के संरक्षण में रहेगा तो किसी भी मूल्य पर उसका नाश नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, उन्होंने बताया कि आप संवर का वध कीजिए। सारी माया सिखाई, जब भक्ति है इसे उनका उनका नाम है मायावती था। हाँ, यहां मायावती का नाम रख लिया था। जब भक्ति है तो संसार की भी कोई माया नहीं लग सकती, क्योंकि सारा सिद्धांत उत्तर कांड का है पूरा। क्योंकि भक्ति ही सानुकूल रघुराया उते ही विलोक डरपति अति माया। अरे बात विचित्र बात, संबरासुर चाहता है रति को पर रति को पा नहीं सका। संबरासुर और शिव जी भी रति का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, भक्ति का क्या बिगाड़ा नहीं सी। आशीर्वाद दिया, जब जदवंश कृष्ण अवतारा हुई हरण महामंधारा कृष्ण तने हुई पतोरा वचन तने था हुई मोरा। फिर प्रद्युम्न जी ने युद्ध में संबरासुर का वध किया और आगे द्वारका आगे अपनी पत्नी रजत के साथ सबने जय जयकार किया। द्वारकाधीश की जय। अरे कौन बढ़िया है, रति से कोई संतान नहीं प्रद्युम्न को, ये ध्यान रखिए। ये रुक्मी की बेटी है रुक्मावती, रुक्मावती से प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ है, उसी के बेटे हैं, उन्हीं के बेटे हैं अनिरुद्ध। प्रद्युम्न और रुक्मावती के संपर्क से कौन होगा? प्रद्युम्न है कौन? सेवा भाव। रुक्मावती कौन है? सेवा विधि, सेवा की क्रिया। तो सेवा भाव और सेवा की क्रिया के संपर्क से कौन जन्म लेगा? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध अनिरुद्ध भगवान का स्मरण, जिसको कोई रोक नहीं सकता। अनिरुद्ध ने जन्म लिया भगवान का स्मरण, निरंतरता बनी रहती है सेवा में, भगवान का स्मरण होता रहता है सेवा से। हाँ, यही है अनिरुद्ध। इधर देखिए, आठों प्रकृतियां आज भगवान की यहां सेवा में है। आठों प्रकृतियां भगवान की भक्ति कर रही, भगवान का भजन कर रही है। भूमिरापो नलो वायु, भूमिरापो नलो वायु, हम मनो बुद्धिरेव च। और आगे क्या लिखा? अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रचितधा। विमान का अहंकार में भिन्ना, भगवान कहते मेरी आठों भिन्न प्रकृतियां हैं। ये सब इन प्रकृतियों को अच्छा नहीं लगा, और अब तक मैं भी भिन्ना कहता था। मेरे अभी मेरे मन में भाव आ रहा है नया, क्या? अरे भाई भिन्ना नहीं, अलग नहीं है, में आकार का प्रशेष है। अहंकार इति अभिन्ना प्रकृति रचितधा,
ये आठों प्रकृतियां भगवान से अभिन्न है, भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, भगवान से जुड़ी हुई। इदम नवीनम व्याचक्षते जगद्गुरुवः भूमिरापो नलो वायुः घम मनो बुद्धिरेव च पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और इतियम इतियम यह मेरी प्रकृति क्या है, मैं अभिन्न, मुझसे अभिन्न मेरी निरंतर सेवा करते अहंकार इतियम मैं भिन्न। प्यारे अंतिम प्रकरण है, विश्राम का प्रकरण है, फिर खेलते हैं आज चकाचक है। देखिए अभिन्न यहां आकार का प्रत्येक है, ये भी मैंने ये व्याख्या अपनी गीता भाषा में नहीं लिखी है, क्योंकि यह व्याख्या मुझे अभी सूझ रही थी, कैसे लिख देता अहंकार की। अब अभिन्न कैसे, वास्तव भिन्न थी पर यही आठों प्रकृतियां भगवान कृष्णचंद्र जी की आठ पट पट महिषियां बनी, आठ मुख्य पत्नियां बनी, आठ जिसमें से अप आदव सर्ज सबसे प्रथम प्रकृति है जल प्रकृति, क्या कहती अप आदव ससर्ज, तो जल प्रकृति ही रुक्मिणी बनी, जल प्रकृति रुक्मिणी, रुक्मिणी बनकर उन्होंने भगवान की सेवा की, अभिन्न हो गई। अब तो पहले भिन्न थी, सेवा करके अभिन्न हो गई, रुक्मिणी जल प्रकृति है। अरे सीधी सी बात करो ना, रुक्मिणी जी को श्रीयो मात्रा लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है, ठीक है। अच्छा सभी लोग श्रोता जानते हो, बहने मेरे प्रश्न का उत्तर बहने देंगी, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ बहनों, लक्ष्मी जी किसकी बेटी है, जल्दी हैं जोर से बोलिए, सागर की, और सागर क्या है, जल है कि नहीं है, ये देख लीजिए, ठीक है ना। और दूसरी प्रकृति रुक्मिणी के बाद समंतकमणि का प्रकरण आता, संक्षेप कर रहा हूं, इस सब तरह सुना देता हूं, जो कुछ होगा क्या करेंगे। अंतिम दिन की कथा बहुत बढ़िया होती विश्राम की, अब विश्राम दिन ही लोगों को जाने की पड़ी रहती है, तो कथा को भी लोग आकुलित कर देते हैं, घर जाने के लिए नशा चढ़ जाता है, आठ दिन तक ठीक रहते हैं। अब कितने दिन तक हम ये जवानों को रखे, नौ दिन बेचारे घर के लिए छटपटा पड़ते हैं। कथा के विश्राम में हम तो भगवान से मिलने को छटपटाते हैं, ये मकान से मिलने को छटपटाते हैं, ये संसार वाले कितने बेईमान हैं। देखो तो समंतक मणि बड़ा सुंदर मणि है, सत्राजी को मिला है सूर्य से। एक दिन सत्राजी का भ्राता प्रसन्न से पहन करके वन में गया, सिंह ने मार डाला, ले लिया, और सिंह को मारकर जाम भगवान जी ले गए, तो जामवाल ले गए। और इधर द्वारका में आरोप लगाया, लोगों ने भगवान ने ले लिया। देखिए अपने क्षेत्र की विशेषता है, ब्रज में भगवान ने कितनी माखन की चोरियां की, पर किसी ने चोरी का आरोप लगाया कभी नहीं लगाया। वहां तो चोरी करते थे,
तो चोरी की शिकायत करने के लिए नहीं, इसी शिकायत के बहाने भगवान को देखने के लिए गोपियां यशोदा के पास आती है ना। कहती थी, अरे चोरी चोरी माखन खा गए माई एक बालक छोटे कन्या जाम्बवती के साथ मर गया। भगवान सद्धर्मा का कृत, सद्धर्मा ने शस्त्राजित का वध किया और भगवान भी सद्धर्मा के पीछे आए,
पीछा क्या उन्होंने और मिथिला में उसका वध कर डाला। मणि नहीं मिली, मणि तो अक्रूर के यहाँ रखी गई थी। भगवान ने अक्रूर को बोला कि कहा आप सब हमें दिखा दीजिए, फिर मणि ले जाइएगा। दिखा दिया। इस प्रकार भगवान ने निरपवाद हो गए। पांडवों को मिलने के लिए भगवान वहां आए। इंद्र का प्रश्न आया। एक दिन अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे भगवान। जमुनोत्री, अब हम तो देखा है जमुनोत्री में एक कन्या को तप करते देखा। पता लगा है कौन है ये। अर्जुन ने कहा, अर्जुन से पूछा पता लगाओ। अर्जुन से भगवान का पता लगाओ इस कन्या का। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने पूछा आप कौन है भगवती। उन्होंने कहा देखो मैं सूर्य नारायण की बेटी हूं, यमुना। मैं तपस्या कर रही हूं भगवान के लिए। भगवान मुझे प्राप्त करें, स्वीकार करें। अहम देवस्य सवितुः, अहम देवस्य सवितुः दुरिता दुहिता वरमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं आस्थिता। ठीक है, कालंदी से भगवान विवाह कर रहे हैं। यही तेज प्रकृति अनल अग्नि की आज ही देखेंगे आप यमुनोत्री में इतना तपता हुआ कुंड है। वहां हम लोग आलू में बांध के चावल डाल देते हैं तो आप विश्वास करेंगे। आलू में बांध कर चावल डाल देते हैं और 10 मिनट में पूरा आलू सही चावल पक जाता है, इतना गर्म होता है। हमने भी जब हम यात्रा में गए थे ना, मैंने भी डाला। अरे महाराज पूरा पक गया, फिर नमक राम से मिलाकर चकाचक आनंद आया। मैं तो एक बात जानते हैं, आलू मुझे बड़ा फेवरेट है मेरा। और चावल भी वही यमुना के जल में जब पकता रहा अमृत हो गया चकाचक। तो मैंने क्या बताया कि यमुना जो है ये कालिंदी ये तेज प्रकृति। और अब पांचवी पत्नी का नाम है भगवान की मित्रविंदा। उज्जैन, उज्जैन की कन्या है महाकाल की नगरी की। और महाकाल का जो स्वभाव, शिव जी का जो स्वभाव है, शिव जी का स्वभाव आकाशात भूमि खम यह आकाशात्मक है। क्यों है ना, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। आगे बोलिए, चिदाकाशमाता कहा होते हैं वो।
आकाश में इनका क्या नाम है, मित्रबिंदा, मित्रम बिंदति इति मित्रबिंदा। इसलिए मित्रबिंदा कौन है, आकाश प्रकृति ही मित्रबिंदा बनकर भगवान से अभिन्न बन गई। भूमिरापो नलो वायुखम मनो। देखिए छठी पत्नी भगवान की जो है वो मन प्रकृति है। नागवी के दो नाम है, सत्या और नागवी। नगनजीत दक्षिण कोशल के अधिपति, दक्षिण कोशल मंडला के उधर जबलपुर की पुस्तक मंडला, दक्षिण कोशल के अधिपति नगनजीत की कन्या है। नगनान जयती नगनजीत, जो नंगों को जीत लेता है। नंगों को माने जिनके नंगे को जो निर्वस्त्र हो, जिनके जीवन में वैदिक मर्यादा का वस्त्र नहीं रहता, उन्हीं को जीतता है। तो नागवती वहां सात बैल शरद है, वह उसी को स्वीकार की जो सात बैलों को बांध देगा। हमारे सात आवरण ही सात बैल हैं, पांच ज्ञानेंद्रियों का आवरण, मन का आवरण और बुद्धि का आवरण। इन सातों को जो यही सात बैल हैं, कोई उन्हें नहीं नाथ पाता। कन्हैया ने कहा मैं नाथ पा, क्योंकि मुझे काली नाक को नाथने का अभ्यास है। सात रूप बनाकर भगवान ने क्षण भर में उनको नाथ दिया, उन बैलों को। और ये नागनीति मन प्रकृति बनकर भगवान की सेवा में आ गई। वो नागनीति बिहारी सरकार की और अब बुद्धि प्रकृति, ये बुद्धि प्रकृति कैकेयी देश की कन्या है भद्रा। बुद्धि भद्रा होती ही है और उसका भद्रता भी यही है कि भगवान की सेवा करे। एता बता बुद्धि प्रकृति भगवान की सेवा मांगी भद्रा। अहंकार प्रकृति यही है लक्ष्मण, ये मद्राधिपति मद्राधिपति की कन्या है। यहां एक शर्त है, द्रौपदी वाली शर्त तो उसकी दूसरी थी, वहां मछली बाहर, यहां मछली भीतर जल। तो विषय विषय जल में मन मछली के भांति घूम रहा है, उसको जो वेद देगा उसी को अहंकार की प्रकृति आकर उसकी सेवा करेगी। सब कोई नहीं वेद पाया, अंत में भगवान ने वेदा और भगवान की अहंकार प्रकृति ने भी सेवा की। यही अब अहंकार प्रकृति यही है, असय अभिमान जाई जनी भोरे मैं से रघुपति पतोरे। असय अभिमान जाई जनी भोरे लक्ष्मणा माने क्या,
आप लक्ष्मण कर से जानते होंगे ना, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु श्रेष्ठ नहीं राखा लक्ष्मण नाम उदार। यहां भी लक्ष्मण का वही अर्थ है, लक्ष्मणी भगवत भक्ति लक्षण संत श्याम, जिसमें भगवान की भक्ति के लक्षण विराजमान है उसे कहते हैं लक्ष्मण। आशा है अब आप यहां का समझ गए हैं। आठों प्रकृतियां भूमिरापो नलो विवाह जब हो गया अहंकार इतियम में अभिन्न प्रकृति रचना। इसी प्रकार प्रभु ने प्राकृति से जाकर युद्ध में नरकासुर का वध किया और वहां 16,100 कन्याओं का विवाह किया। उपासना कांड की स्तुतियों के उपासना कांड की के जो 16,000 मंत्र हैं, उन्हीं 16,000 मंत्रों की 16,000 शक्तियां पत्नी बनकर भगवान की सेवा कर रही हैं और 100 उपनिषदें इस प्रकार पूरी संख्या हो गई भगवान की पत्नी की 16,108। और एक और बड़ी बात, बहुत अच्छी बात, सब में सभी पत्नियों में 10-10 पुत्रों ने जन्म लिया। क्या 10-10 पुत्र और एक पुत्री, ये क्या है? इतनी बड़ी संपत्ति भगवान के पास है, बिल्कुल ठीक है। जैसे आप जानते हैं भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आए, धर्म संस्थापनार्थाय जब जब हो भगवान धर्म की स्थापना करेंगे, इसलिए इन 10 लक्षणों ने
धर्म की धृति क्षमा दम स्ते शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्य अक्रोध इन धर्म के दसों लक्षणों ने 16,108 बार अवतार लिया अयोध्या द्वारका में। सर्वत्र ही धर्म दिख रहा है। ये है धर्म की स्थापना। भगवान का तुम विस्थापन नहीं हो, तुमको मैं अपना बेटा बनाकर स्थापित कर देता हूं, तुम यही रहोगे जाओ। और ये एक व्यक्ति कौन है? इसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा बिना धर्म कैसी माना? इतनी संतान है द्वारकाधीश को, योगेश्वर को। तो योगेश्वर की ये संतानें आठों प्रकृतियां, सौ प्रतिशत और उपासना कांडी 16,000 मंत्रों की 16,000 शक्तियां ही भगवान की पत्नियां हैं। धृतिया दश अक्षर भगवान के बेटे, और श्रद्धा बेटी। पूरा वातावरण जहां देखो भगवान के बेटे धृत्यादि, कहीं धृत्य दिख रहा है, कहीं धृत्य भाव दिख रहा है, कहीं क्षमा भाव, कहीं दम भाव, कहीं अस्ते भाव, कहीं पवित्रता का भाव, कहीं इंद्रिय निग्रह भाव, कहीं धी भाव, कहीं विद्या का भाव, कहीं सत्य भाषण ही रूप बनाकर बेटी बन के, कहीं अक्रोध। 16,108 पत्नियों के यहां श्रद्धा ही बेटी बन रही है। कितनी श्रद्धा करती होंगी ये गौ ब्राह्मणों पर, वेदों पर, आप कल्पना करो। द्यूत के द्यूत कौतुक के क्रम में भगवान ने रुक्मी का वध किया था बलराम जी ने, और इधर रुक्मिणी जी भगवान की सेवा कर रही होती है। भगवान का जो रुक्मिणी, आप कहीं भी जा सकती हैं, अब रुक्मिणी के हाथ से चमन पड़ता, कहते नहीं प्रभु ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊंगी? तरी चरण तुम्हारे, तरी चरण तुम्हारे जाऊं कहां, 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 तरी चरण तुम्हारे जाऊं। अब देखिए अनिरुद्ध का विवाह रोचना से, रोचना ही रुचि है। जब वो भगवान का स्मरण होता है, जब अविच्छिन्न भगवान का अविच्छिन्न स्मरण होता है, कभी ना टूटने वाला, कभी ना निरुद्ध होने वाला स्मरण, तभी रोचना रुचि होती है।
प्रवचना रुचि के संबंध से स्मरण ने बदनाम को प्रकट किया। ये है भगवान की वैष्णवता का भगवदगीता का संकल्प, यही है बदनाम, जिसको जो मुसल वाले युद्ध में भी स्मृत नहीं हुई, बोल भगवत भगवान की, ये है भागवत। तो यही स्थिति भगवान बचना, परंतु अभी अनिरुद्ध को एक पत्नी और चाहिए। भगवान के स्मरण को क्या चाहिए जानते हैं? भगवान के स्मरण को क्या चाहिए? प्रभात बेला, उषा, यही भगवान की प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, खगपति जल की चिकना। आज बड़े अच्छे अच्छे सिद्धांत सुना दिया आप, बहुत जरूर से आए, बहुत आनंद हुआ। प्रीति इसको निष्ठा भी कह सकते, निष्ठा, जीवन की निष्ठा, यही है उषा माने प्रभात बेला। जब भगवान के चरणों में निष्ठा हो जाती है तो मोह की रात्रि अपने आप समाप्त हो जाती है, जीवन में सवेरा आ जाता है, यही है क्या भगवान की निष्ठा। पर ये असुर के यहां न रहे, बाण के यहां न रहे, इसी के लिए प्रकरण आया जहां निष्ठा हो वहां भगवान का स्मरण होगा। और भगवान के स्मरण को निष्ठा से मिलाता कौन जानते हैं आप? भगवान की चित्रपट की सेवा, यही है चित्रलेखा, भगवान की चित्रपट की सेवा। भगवान की चित्रपट की वैष्णव जन तो मुकुटिन मांगे, मुकुटिन मांगता, अरे नित मांगे जन्म जब तारे रे, नित कीर्तन नित उत्सव सेवा, नित सुमिरन भजन कुम नंद कुमार रे। वैष्णव जन नित निरखुबानंद कुमार, भूतल भक्ति पदारथ मोर, मरण लोक मां नहीं रे, भूतल भक्ति पदारथ मोर, लेखा से भगवाया, हरण करके फिर शिव की निष्ठा का उच्चारण किया, युद्ध हुआ। शिव जी चाहते हैं आसुर भाव में निष्ठा बनी रहे, अनिरुद्ध के साथ बनाए, असुर भाव ने अनिरुद्ध को बाधा, स्मरण को बाधना चाहा भगवान के स्मरण को, तब तक तो
भगवान का ही हुआ। घनघोर शिव जी से शिव जी को भगवान ने प्रार्थना किया, जृम्भणास्त्रेण गिरिशं मोहयित्वा गदा गृजा। बाणासुर की 1000 भुजाएं भगवान ने काट दी, 4 भुजा रख करके परिकर बना कर परिकर बना दिया। बाणासुर का मेरा नाम क्या पड़ेगा? भगवान ने कहा अब तक तुम्हारा नाम बाण था, अब 4 भुजाओं में से अब तुम्हारा नाम निर्बाण पड़ गया, यही है साइज सामु सारूप 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 बोल भगवान। भगवान नृग के चरित्र से कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान करो, थोड़ा सा बलराम, अरे बलराम की विजय की चर्चा करें। यहां जब श्रोताओं को संदेह हो सकता है और मैं जानकर उन प्रकरणों की चर्चा करता जहां संदेह रहता है। यहां की कथा क्या जानते हो ना कि बलराम जी वृंदावन आ रहे हैं और वृंदावन उन्होंने यमुना जी को विहार करने के लिए बुलाया। यमुना जी नहीं आई तो उन्होंने उनको हल से खींचा। मैं ये प्रश्न है यमुना जी की बलराम के प्रकरण को लेकर क्या विचार है? उत्तर बहुत अच्छा है, परीक्षा करिए। जिन यमुना को लेकर आप प्रश्न करें वो यहां, आप प्रश्न करें ना वो यहां, वो यमुना यहां नहीं। यमुना के 3 रूप हैं, आधदैविक रूप, आध्यात्मिक रूप और आधिभूत रूप। आध्यात्मिक रूप में यमुना जहां नहीं है वो तो कर्णी बन करके द्वारका में विराज रही है। अब क्यों नदी अभिमानी देवता है यहां पर? अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूं, इत्याकारक अभिमानवती देवता यमुना यहां पर है। उनको उन्होंने बुलाया, क्या अंतर पड़ता है? नदी को बुलाया ना, कालंदी के थोड़े बलराम ने बुला रहे। आनंद है यमुना जी, फिर यमुना जी ने भगवान की स्तुति की, मैंने गलती की है, बलवल में जी क्षमा कर दिया। इसी प्रकार बलभद्र जी द्विविध का वध कर रहे हैं, इस पर भी लोगों को संदेह होता है और सबको संदेह तो ठीक था। कष्ट की इसलिए बात है देवी नंदन महाराज कि टीकाकारों तक को संदेह हो गया। क्या कहें, श्रीधर के प्रसिद्ध टीकाकार बंशीधर की बुद्धि में क्या दुष्प्रभाव आया? बोली के बैठे